सकते हो कि IIM जॉइंट ग्रुप एंट्रेंस रिजल्ट, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश। तो आज IIMJEE फेज 4 का रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब 10 बजे आने वाले हैं। तो इसलिए मैं वीडियो को यार रात को शूट कर रहा हूँ, एंड एटलीस्ट 9:45 से लेकर 10 बजे तक तुमको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया IIMJEE का रिजल्ट कैसे चेकआउट करनी है, कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, सारे चीज हम बात करने वाले हैं। तुम लोग देख सकते हो कि जो बच्चा 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, मतलब आज मैं जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एग्जाम्स यो 3 फेज के अंदर, फेज 1 9:30, फेज 2 तुम्हारा यार 12 बजे एंड फेज 3 तुम्हारा यार 2:30 बजे। तो उन सारे बच्चे का बेटा रिजल्ट आउट होने वाले, राइट। तो तुम सबको पता है कि यार मैं IIM के साथ कितना अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, राइट। सो भैया कब कितने बजे या टाइम ने कब आएगा रिजल्ट, या तुम लोग देख सकते हो ये IIM की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर लिखा है कि 19th of May, मतलब आज 10 बजे 10 AM तुमको यार मिलने वाले हैं रिजल्ट। भैया चेक कैसे करनी है, क्या मेल के थ्रू हमको रिजल्ट देख पाएंगे, या फिर क्या आपके वीडियोस के थ्रू ही हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि हर बार मिला है। डेफिनेटली यार मेरे वीडियोस के थ्रू हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव तुम्हारा यार इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IIM तुमको हम देते भी थे पहले, एंड अभी भी यार देते हैं, जो कि यार कोई और यूट्यूबर नहीं दे देता है, ठीक है। तुमको पता है कि मैं ऑलरेडी यार कितना अच्छे तरीके से जुड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना तुमको बोल सकता हूँ कि भैया रैंक कार्ड चेक कैसे करनी है, तुमको आइदर एक मेल आएगा या फिर मैं तुमको एक लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक तुम लोग जो देख पा रहे हो अभी, तो इस लिंक के अंदर बेटा तुमको जाना है, ठीक है। जाके तुम लोग इधर देख सकते हो कि IIM जॉइंट ग्रुप एंट्रेंस रिजल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जाके बेटा तुमको हॉल टिकट नंबर डालनी है, गार्जियन फोन नंबर डालनी है, रीकैप्चर डालनी है, एंड इफ यू हैव गिवन IIMJEE सो क्लिक कर IIMJEE एंड देन राइट लॉगिन, मतलब करना है तुम अपने यार जो रैंक है वो देख सकते हो। अब बात आता है कि भैया कितना रैंक में यार क्या मिलने वाले हैं, क्या वो लेके आप एक वीडियो। भैया मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि हर फेस के रिजल्ट के बाद जो एक्सपेक्टेड रैंक है उसके हिसाब से और उसके अनुसार हमको ब्रांच मिलता है, ठीक है। कोई बच्चे को बेटा डायरेक्ट एडमिशन को रिगार्डिंग यार इंक्वायरी है, पहला बात है कि यार सीट एकदम मैंने बोल सकते हो कि यार कंप्लीटली फुल हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, फिर हो गया है इधर IIM सॉल्ट लेक में, न्यू टाउन में कुछ सीट्स है वो भी यार आई थिंक ये फेज 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। तो किसी को डायरेक्ट एडमिशन करवानी है बेटा, अभी मतलब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस नंबर पर कॉल करना है, फिर मेरे को कॉल करना है कि भैया मेरा ये पर्टिकुलर रैंक आया है, मेरे को क्या मिल सकता है। देखो यार मैं ऑलरेडी यार कुछ वीडियोस तुम अगर देखोगे ना चैनल के अंदर जाके तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका रिजल्ट का क्या वैल्यू है एंड क्या क्या तुमको मिल सकता है, ठीक है। कौन सी ब्रांच मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी सबसे बहुत सारी चीज़ निर्भर करते हैं, ठीक है। तो मैं सबको एक चीज़ बोलूँगा, जस्ट गो एंड वॉच आउट द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी मेड रिगार्डिंग IIM। एक बार चैनल के अंदर जाओ बेटा, जाके सारे IIM का वीडियोस एक बार देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा हर एक वीडियोस के बाद कि यार मैंने क्या बोलता हूँ, क्या रैंक वर्सेस स्ट्रीम क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब बात आता है कि भैया तो फिर क्या हम लोगों को डायरेक्ट एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, या फिर क्या हमको VIPG के लिए वेट करनी है। पहला बात तो ये है कि अगर तुम्हारा रैंक अच्छा आ गया इन IIMJEE तो तुमको तो बेटा ऐसे ही तुम जो मांग रहे हो वो ब्रांच तुमको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। भैया काउंसलिंग का डेट क्या दिया गया, हाँ बेटा काउंसलिंग का डेट भी यार तुमको दिया गया है, तुम लोग देख सकते हो 20th of May, ठीक है, 21st of May एंड 22nd of May काउंसलिंग डेट मेंशन किया जाएगा रैंक कार्ड के अंदर। बट मैं बोलूँगा ये कम से कम तुमको 7 to 8 days चलेगा काउंसलिंग, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग का जो डेट है वो मेंशन कर दिया जाएगा रैंक कार्ड के भीतर, उस डेट में तुमको आनी है, काउंसलिंग करनी है इन IIM आश्रम बिल्डिंग जो भी तुम देख रहे हो, जहाँ पर हम वीडियो शूट करते हैं अक्सर, ठीक है, और जहाँ पर तुम मेरे को भी मिल जाओगे, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय। कैसा कितना रैंक आया IIMJEE फेज 4 का बताना मेरे को जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग अगर करवानी, देखो इंक्वायरी करनी है मत करो, अगर एडमिशन करवानी है सच में अगर करवानी तो मेरे को कॉल करके बात कर लो, मैं तुमको एकदम श्योर शॉट कन्फर्म्ड एडमिशन करा दूंगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतने सारे बच्चे को करवाता हूँ, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।